बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। आज बड़े एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बेसिकली जितने भी न्यू फ्रीलांसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सारे जो है वो अक्सर पूछ रहे होते हैं, सर विदाउट हैविंग एनी क्लाइंट हम लोग अपना पोर्टफोलियो जो है वो कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। तो एक छोटी सी केस स्टडी जो बेसिकली मैंने अपने ऊपर भी जो है वो इम्प्लीमेंट की थी स्टार्टिंग में, जब मेरे पास भी जो है वो कोई क्लाइंट नहीं था, और किस तरह से मैंने पोर्टफोलियो बिल्डअप किया और किस तरह से जो है वो काम स्टार्ट किया, वो सारी चीजें जो है वो आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी एग्जाम्पल ली है और इसी को हम लोग जो है वो आगे लेके चलेंगे। सो यहाँ पे मैंने नेम लिखा हुआ है फैसल और मैं एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ, लेकिन पोर्टफोलियो मैं बनाना चाह रहा हूँ और मेरे पास अभी तक जो है वो कोई क्लाइंट नहीं है। तो एज अ न्यू फ्रीलांसर हम लोग किस तरह से अपना पोर्टफोलियो जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं, किस तरह से काम जो है वो कर सकते हैं? तो अगेन फैसल फ्रीलांसर जो है वो क्लाइंट की तलाश के अंदर जो है वो निकलेगा, तो क्लाइंट अभी फिलहाल जो है वो हमें मिल नहीं रहा। तो यहाँ पे फिर जो है वो मुझे एक क्लाइंट मिल गया अपनी ही सूरत के अंदर, जिसका नेम फैसल साहब रख दिया मैंने, और हमारा अपना बेसिकली जो है वो ओनर है। तो इसकी एग्जाम्पल को आप लोग इस तरह से जो है वो लेके चल सकते हैं। तो कोई भी एक पर्सन है, लाइक एक हम लोग हैं लाइक अली, और यहाँ पे अली साहब जो है वो हो जाएगा, यहाँ पे मुजम्मिल है तो मुजम्मिल साहब हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल शुएब है तो यहाँ पे शुएब साहब जो है वो हो जाएगा, क्योंकि हमने यही सर्विसेज अपने आप के लिए जो है वो जनरेट करनी है, और अपने आप के लिए हम लोगों ने काम जो है वो करना स्टार्ट कर देना है। तो ये हमारा एक एम्प्लॉयर है फैसल साहब, जो कि खुश जो है वो किसी वजह से, किसी काम की वजह से भी नहीं होता। इसका अपना भी बिजनेस के अंदर जो है वो कोई खास एक्सपीरियंस जो है वो नहीं है, लेकिन इसने उस बंदे को हायर कर लिया है जिसका भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो दोनों अनएक्सपीरियंस अनएक्सपीरियंस बंदे जो है वो एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं। तो अभी वैसे बेसिकली अगर हम लोग जो है वो देखें कि डेली बेस पे हमें कौन कौन सी चीजें जो है वो करनी पड़ रही होंगी, तो जस्ट एग्जांपल ये जो फैसल साहब है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, अब इन्हें जो है वो मुख्तलिफ सर्विसेज जो है वो चाहिए होंगी। सो जस्ट एग्जांपल हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, इस बंदे की अब वेबसाइट भी नहीं है और ये कह रहा है आपने मेरा बिजनेस को प्रमोट करना है। अब बिजनेस क्या है जी? बिजनेस है इसका फाइवर प्रोफाइल है। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि ये अपनी फाइवर प्रोफाइल को प्रमोट करवाना चाह रहा है, ठीक है? ये राइटिंग के ऊपर आप लोगों ने मेरी नहीं जाना, बहुत बुरी है, इसलिए स्टार्टिंग में जो है वो बता रहा हूं। तो जितने भी इंग्लिश प्रोफेसर हजरात या राइटिंग रिलेटेड प्रोफेसर हजरात मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मैं भी आप लोगों से माजरत कर लेता हूँ। तो ये पर्सन है, इसके पास एक तो फाइवर प्रोफाइल है और दूसरी है अपवर्क, और ये चाह रहा है इस चीज को प्रमोट करना जो है वो चाह रहा है, ठीक है? अब आप इसके पास एज अ फ्रीलांसर आए हैं, आपने कहा यार ये तो कोई मसला ही कोई नहीं है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया फ्री मीडिया मार्केटर हूं, और मुझे कोई भी चीज जो है वो आप दोगे तो मैं उसकी इंगेजमेंट्स ऐसे जो है वो बढ़ा दूंगा कि आप खुद जो है वो देख के हैरान रह जाएंगे, क्लिक्स जो है वो लेके आना शुरू हो जाऊंगा, रेलिवेंट ऑडियंस में जो है वो आपके बिजनेस को प्रमोट करना शुरू कर दूंगा। तो ये इस फ्रीलांसर जो के फैसल था, इसने फैसल साहब के साथ कमिटमेंट कर लिया है कि मैं आपके फाइवर और अपवर्क दोनों को प्रमोट करूंगा। अब नेक्स्ट फैसल जो बेसिकली अगेन फ्रीलांसर है, परेशान हो गया कि यार मैंने कमिटमेंट तो कर ली है फाइवर और अपवर्क को प्रमोट करना है, तो मैंने अब बेसिकली जो है वो करना क्या है? तो सबसे पहले तो आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, ग्राफिक्स का वर्क जो है वो आपको आना चाहिए, ठीक है? और उसके लिए कैनवा जिंदाबाद, ठीक है? कैनवा के ऊपर जाके अच्छी अच्छी जो है वो ग्राफिक्स बनाएं, कंटेंट जो है वो लिखना शुरू कर दें, जो भी पोस्ट वगैरह जो है वो आप लोगों ने करनी है उसके लिए आप लोग जो है वो कंटेंट जो है वो बनाना शुरू कर दें, और इसके अलावा और भी रिलेटेड हैशटैग्स वगैरह जो है वो आप लोग जो है वो फाइंड करना शुरू करते हैं, ठीक है?
और इसके अलावा वाई टेक्स्ट के ऊपर जाके टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, या इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो आप लोग जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, इस इन चीजों को जो है वो शेयर करना जो है वो स्टार्ट कर देना है। और शेयर कहाँ पे जो है वो करना है, जितने भी जो है वो आपके पास सोशल मीडिया जो है वो प्लेटफॉर्म होंगे, स्पेशली लिंक्डइन और लिंक्डइन, और इसके अलावा जो है वो आपके पास इंस्टाग्राम आ जाएगा, ठीक है। और प्लस अगेन आपकी सर्विसेज के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको बिहेंस के ऊपर भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर सोशल मीडिया डिजाइनिंग की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी तरह से अगर वेबसाइट वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है, शॉपिफाई से रिलेटेड है, तो उस तरह के ग्रुप्स जो है वो आप लोगों ने ज्वाइन करने हैं। एक काम करना है, फैसल साहब ने कभी भी इस चीज से खुश नहीं होना कि आप लोग जो है वो गिग प्रमोशन ग्रुप्स के अंदर जाएं और वहां पे इसकी प्रोफाइल को जो है वो शेयर करना या गिग्स को शेयर करना शुरू कर दें, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सारे के सारे जो है वो फ्रीलांसर्स बैठे हुए हैं। तो आपने ये जो सोशल मीडिया के अंदर शेयरिंग करनी है, ये बिजनेस रिलेटेड, जहां पे आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो बैठी होगी, अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन करें, देखें वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर जो है वो ये ऑडियंस जो है वो बैठी होती है, तो इन बिजनेस ग्रुप्स के अंदर जाके जो है वो इनको प्रमोट करना शुरू कर दें। अब जब आप लोग ये बिजनेस ग्रुप्स जो है वो ज्वाइन करेंगे और वहां पे प्रमोट करना शुरू करेंगे, तो आपको जाके पता चलेगा तो ये तो आपको जो है वो अलाउ ही नहीं कर रहे, ठीक है। जो भी आप लोग पोस्ट कर रहे हैं तो वो तो आपको जो है वो अलाउ ही नहीं कर रहे, तो ये अलाउ लगा के मैंने जो है वो क्रॉस कर दिया। फिर आपको पता चलेगा, अच्छा मैंने इन ग्रुप्स का वैल्यूएबल मेंबर बनना है, लोगों की जो है वो हेल्प करनी है, और अगेन सेलिंग 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 के ऊपर जो है वो नहीं रहना, आगे फर्दर जो है वो वैल्यू क्रिएशन और वैल्यू प्रोवाइडिंग के ऊपर जो है वो रहना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगेन यहां से ये जितनी भी गिग्स होंगी, अपवर्क के प्रोजेक्ट्स होंगे, वो इन ग्रुप्स के अंदर इस तरह से जो है वो शेयर करने हैं, या अपने आप को इस तरह से जो है वो शो करवाना है कि आप जैसा वाकई फ्रीलांसर जो है वो नहीं है, या जो भी सोल्यूशन प्रोवाइडर, जो भी आप लोग सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप जैसा बंदा जो है वो वहां पे नहीं है। अच्छा, अगेन अब फैसल साहब जो है वो आपसे पूछेंगे कर क्या रहे हो डेली बेस पे, आप उसे बताएंगे जी मैं ग्राफिक्स बना रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ, हैशटैग बना रहा हूँ, डेली बेस की जो है वो तीन चार जो है वो पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, रेलिवेंट ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहा हूँ। अगेन ये वही काम है जो आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स के लिए करना है, लेकिन अभी आपका क्लाइंट फैसल साहब जो हमारे बेसिकली अंदर का नवाब है, उसके लिए हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे अंदर का नवाब है और ये हमारी करंट कंडीशन है कि पैसे भी चाहिए, ग्रो भी करना है और भी मुख्तलिफ चीजें, तो इस नवाब साहब के लिए जो हमारे अंदर का नवाब है, इसके लिए आप लोगों ने जो है वो काम करना जो है वो स्टार्ट कर देना, ठीक है। अब जब आपने ये सारी चीजें जो है वो कर ली, तो अगेन जस्ट एग्जाम्पल वीकेंड पे ये फैसल साहब आपके पास आते हैं और कहते हैं ठीक है आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आपने जब काम स्टार्ट किया है तो आपने बोला था कि आसमान से सितारे तोड़ लाऊंगा, दरियाओं का रुख जो है वो चेंज कर दूंगा, पहाड़ काट दूंगा, इस तरह की जो है वो जितनी भी चीजें की हैं, मुझे कोई रिपोर्ट तो प्रोवाइड करो यार, आप एक हफ्ता हो गया है कोई काम कर रहे हैं तो मुझे कोई रिपोर्ट तो प्रोवाइड करे। अब अगेन ये सेल्फ एनालिसिस है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग क्या करेंगे, ये जितने भी ग्राफिक्स बनाए थे, हैशटैग या जितनी भी चीजें हैं, जो जहां जहां पे आप लोगों ने इन चीजों को शेयर किया है, वहां से एक अच्छी सी रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट यहाँ पे भी फाइवर के लाइक इंप्रेशन क्लिक्स वगैरह भी हो सकते हैं, इसके लिए भी आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, अपवर्क के लिए भी कोई बिटले लिंक्स वगैरह जो है वो यूज कर सकते हैं, जहां से आप लोग नंबर ऑफ क्लिक्स का भी जो है वो आइडिया ले सकते हैं कितने क्लिक्स आपको जो है वो मिल रहे हैं। तो वहां से भी एनालिसिस करें, अपने पेजेस से जो है वो एनालिसिस करें कि एट द एंड ऑफ द वीक आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है। अगर एट द एंड ऑफ द वीक आपके पास जो है वो जस्ट एग्जांपल आ जाते हैं जी 10 इंप्रेशंस आ गए और क्लिक तो जारी बात है वैसे जीरो होना है, ठीक है,
तो अगेन फिर ये जो फैसल साहब हैं वो आपको फायर कर देंगे। फैसल साहब को आपकी जो है वो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही परफॉर्मेंस आपकी जो है वो इस तरह से जो है वो हो जाती है, सो जस्ट एग्जांपल एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक आपके पास 1000 इंप्रेशंस हैं, ठीक है, ओवरऑल अभी मैं बात कर रहा हूँ, गिग स्पेसिफिक जो है वो मैं बात नहीं कर रहा, और कोई ज्यादा नहीं तो 50+ जो है वो आपके पास क्लिक्स आ गए हैं, तो आप राइट ट्रैक के ऊपर जो है वो चल पड़े हैं। और अगेन फैसल साहब आपको जो है वो लॉन्ग टर्म पे इस फैसल फ्रीलांसर को जो है वो हायर कर सकता है, या लॉन्ग टर्म के ऊपर जो है वो आप लोग जो है वो बेसिकली काम कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज, यहां से जब आपने काम जो है वो स्टार्ट करना है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर आपने क्या करना है, ये इन्हीं फैसल साहब को, अगेन जो हमारा इनर नवाब है, इसको कहना है भाई मैं ये जो काम कर रहा हूं इसकी मुझे पे कितनी मिलेगी, ठीक है। तो पे पहले आपने डिसाइड करनी है। अब जस्ट एग्जाम्पल आप लोग क्या कहते हैं जी, आपकी पे है जी $200। तो एट द एंड ऑफ द मंथ जब आप ये रिपोर्ट इसको जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपने वो $200 जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। रखने को आप अपनी जो है वो सैलरी जस्ट एग्जांपल जी $1000 भी रख सकते हैं। लेकिन अगर ये आप लोगों की जो है वो परफॉर्मेंस होगी, ये जो अभी 10 क्लिक्स हैं हफ्ते बाद, सॉरी 10 इंप्रेशन है, 0 क्लिक है, तो ये फिर जाहिर बात है ये छोड़ के आप लोग मेरे ख्याल से $2 भी हफ्ते का जस्टिफाई जो है वो नहीं करते। $200 तो जो है वो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो जो भी ये प्राइस आपने डिसाइड करनी है कि मैंने ये अपने नवाब साहब से, जो फैसल साहब इनर नवाब है हमारे, इनसे ये सैलरी मैंने जो है वो लेनी है, उसके लिए ये काम आपको करने पड़ेंगे। तो जब ये आप प्रॉपर काम जो है वो कर रहे होंगे, अपने पोर्टफोलियो के ऊपर जो है वो चीजें लगा रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो होती जा रही है, तो अल्टीमेटली आप लोग शायद 200 की जगह $300, $400 या $500 भी जो है वो अर्निंग कर रहे हो। लेकिन अगर जो है वो आप लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, बस ठीक है चलें अपने लिए जो है वो काम करना है, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, आज फलाना काम कर लेते हैं, आज फलाना काम कर लेते हैं, तो अगेन फिर ये फैसल साहब ने कहना है ठीक है भाड़ में जाओ, मैं भी आपको जो है वो काम पे नहीं रखता, मैं तो वैसे ही आगे वेला हूं, फाइवर बनाई हुई अपवर्क बनाई, खुद ही कोई ये क्लाइंट आ गया तो आ गया, मुझे आपके ये फ्रीलांसर होने की जो है वो जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग जो है वो चाहते हैं कि ये आप लोगों का रिलेशन जो है वो बरकरार रहे एज अ फ्रीलांसर, तो आप लोगों ने ये इसको जस्टिफाई करना है कि $200 अगर आपने पे रखी है, तो ये जितना वीकली काम कर रहे हैं, दो पोस्ट अगर आपने ये फैसल साहब से कमिटमेंट की थी, तीन पोस्ट कमिटमेंट की थी कि डेली बेस के ऊपर मैंने आपके तमाम सोशल मीडिया के ऊपर करनी है और रेलिवेंट ग्रुप्स के अंदर जो है वो शेयर करनी है, तो अगेन ये जो फैसल साहब जो कि अभी मोगेम्बो का रोल जो है वो अदा कर रहे हैं, तो ये खुश हो जाएंगे, और डेफिनेटली जब आपको ये क्लाइंट्स आएंगे तो उसमें से आपको जो है वो $200 भी मिल रहे होंगे। और इसमें मजे की बात ये है कि ये फैसल साहब जो है वो इतने सखी होंगे कि अगर आप लोग जो है वो $500 भी जो है वो अर्न कर रहे हैं, तो ये 500 का 500 आपको दे देंगे, और अगेन इतने सखी हैं कि अगर $1000 भी आपने कमाया तो वो 1000 का $1000 ये आपको दे देंगे, खुद अपने पास 1 रुपया भी जो है वो नहीं रखेंगे। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा इनर नवाब है बेसिकली, ठीक है, उसके लिए जो है वो काम करना सीखें, पोर्टफोलियो आपका जो है वो बनता चला जाएगा, और जब पोर्टफोलियो बेसिकली जो है वो बनता चला जाएगा, तो साथ साथ जो है वो आपको इंशाल्लाह ऑर्डर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, गिग्स बनाने के बाद हम लोग जो है वो बैठे रहते हैं कि अब जो है वो फाइबर खुद ही जो है वो हमें क्लाइंट ला देगा तो ठीक है, अदरवाइज जो है वो मुझे कोई हाथ पांव मारने की जो है वो जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर इस तरह से आप लोग जो है वो बैठे रहेंगे, तो फिर ना एज अ फ्रीलांसर आप लोग कामयाब हो सकते हैं, ना एज अ एम्प्लॉयर जो है वो कामयाब हो सकते हैं। तो अपने एम्प्लॉयर भी खुद ही बनना है और अपने एम्प्लॉय भी खुद ही बनना है, अगर आप लोग जो है वो अगेन लॉन्ग टर्म जो है वो चलना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म जो है वो काम करना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, तो ये सारे काम जो है वो आपको करने पड़ेंगे।